नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। बालेश्वर में रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 238 लोगों की मौत, पीएम मोदी जाएंगे दुर्घटना स्थल। उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस 1-2-8-4-1 शुक्रवार शाम को बालेश्वर जिला अंतर्गत बहांगा स्टेशन से 2 किमी दूर पनपना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक उड़ीसा में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 238 की मौत हो गई है, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बालेश्वर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर जाएंगे। इसके बाद वे बालेश्वर सदर अस्पताल एवं कटक SCB मेडिकल का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शनिवार की सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे, NDRF, SDRF की टीम बचाव कार्य में जुटी है। फिलहाल हमारा ध्यान बचाव कार्य पर है। राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही बहाली का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहले से ही बहाली के लिए मशीनें तैनात है। बेंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई। खड़गपुर DRM ने इसकी पुष्टि की है। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई थी, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रेन के 12 कोच बेपटरी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कहा कि ओडिशा ट्रेन हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। जो लोग अभी भी जख्मी हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले, इसकी भी हम कामना करते हैं।